ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हमारे प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। हमारे चैनल चमकती किस्मत में आपका स्वागत है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारियां और उपाय बताते हैं, जिससे आप सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुश रहे और संपन्न रहे, किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो और सबका हित हो और सबका कल्याण हो। हम माँ गर्जिया देवी जी से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको मौनी अमावस्या पर एक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी चली आ रही आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस दिन आप गाय को एक चीज हमारे बताए अनुसार मन में पूरे विश्वास के साथ खिलानी है। मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, वरना यह उपाय निष्फल हो जाएगा। आप ये उपाय अगर करते हैं तो आपके पास इतना धन आने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। गाय माता में 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। बस आप मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए ये चीज गाय माता को खिला दें। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दें और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ गर्जिया जरूर लिख दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारे बताए उपाय से लाभ मिल सके। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। मौनी अमावस्या पर आप गाय माँ को घर में बनी सबसे पहली रोटी गुड़ और काले तिल मिलाकर खिला दें। गाय की पीठ को सहलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर कर दो और हमारे घर में धन धान्य से भर दो। जल पीने के लिए दें। अगर गाय माता जल पी लेती हैं तो ये समझ लीजिए कि उसी पल से आपके घर की दरिद्रता दूर होने लगी है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से प्रवेश हो गया है। आप गाय माता को हर दिन सुबह और शाम को गुड़ डालकर घर में बनी पहली रोटी खिलाएं और महीने में कम से कम एक बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार नियम अनुसार ये कार्य करते हैं तो आपका घर कभी भी धन धान्य से खाली नहीं रहेगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते और आपके घर कभी धन समाप्त नहीं होगा और 7 पीढ़ियों तक आपके घर में धन धान भरा रहेगा। बस आप अपना आचरण आप बिल्कुल सही रखें। आप के सारे सुख आपको प्रदान होंगे और सारे ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।